हर साल एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होंगी है जिहड़ी कि ऐतकां भुवनेश्वर दे विच सी ते उहदे विच जिहड़ा नैक्सट ईयर का प्रेजिडेंट है वह चुनिया जाता है। सो इस वारी वह मौका मैनू मिलिया तो उस इलैक्शन दे विच देयर वर पीपल फोर पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द कंट्री एंड विद द ब्लैसिंग्स ऑफ द ऑलमाइटी आई गॉट दैट इलैक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया। और मैं समझदा एक बहुत सारी कंट्री वास्ते जिम्मेवारी का रोल है भी जिदे विच मेरा रोल यह रहेगा भी अगे जिहड़े यंग प्लास्टिक सर्जन बन रहे हैं उन्हां दी ट्रेनिंग कैसी होए, उन्हां दा ट्रेनिंग नूं किद्दां इंप्रूव किया जाए, और दूसरा प्लास्टिक सर्जरी एज ए स्पैशलिटी लोगों के विच उहदे विच बारे अवेयरनैस किद्दां क्रिएट की जाए ताकि लोगों नूं पता लगे कि प्लास्टिक सर्जरी का किहड़े पार्ट्स दे विच रोल है। क्योंकि जिस तरह की एज़ कंपेयर टू अदर स्पैशलिटीज़ जे असी कहीए भी कोई कार्डिक सर्जन है तो पता लग जाता भी यह दिल का है, पर प्लास्टिक सर्जरी एक जी ब्रांच है जी हेड टू टो सारे पार्ट्स नाल डील करती है, लेकिन वो की करते हैं वो बारे लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। सो मैं डॉक्टर साहब न सिर्फ एक फोन किया भी डॉक्टर रवि अपने शहर के सर्विसिज नहीं है, और डॉक्टर साहब नूं कभी मैनूं दूजा फोन नहीं करना पिया। अपनी एडी वड्डी पोस्ट किसी मैडिकल कॉलेज का हैड होना जिहड़ा ना बहुत बहुत वड्डी गल हुंदी है, वो पोस्ट नूं छड्ड के विद इन ए मंथ इन्होंने अमनदीप हॉस्पिटल अमृतसर दे विच मेरे नाल जॉइन किया, और उदों दा जिहड़े कटे हुए अंग ने या कुचले हुए अंग है उन्हां नूं बचाउण दा जिहड़ा वो बीड़ा इन्होंने चुकिया, और उस तों बाद इन्होंने पिछे मुड़ के नहीं देखिया, और अज तक सैकड़े ही लोगों के कटे हुए अंग जड़े ने जोड़े ने। एक तो यह होंगे कि कटे हुए अंगा जोड़ना, और दूसरा यह होंगे कि फिर उन्होंने रीहैबिलिटेट करना, वह भी बहुत अच्छी तरह उन्होंने रीहैबिलिटेशन होंगी है। फिर जी इंपॉर्टेंट गल हों ना कोई भी डिपार्टमेंट कोई भी सर्विस एक बंदे के सिर पर नहीं चल सकती। सो डॉक्टर साहब ने अपना एक माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी का पूरा डिपार्टमेंट इस्टैबलिश किया, अज तक 28 डॉक्टर्स इन्होंने माइक्रो वैसकुलर सर्जरी की ट्रेनिंग दी, और वो देश के वक्रे वक्रे कोनों के जाके वो साढ़े स्टेट का पंजाब का नाम रोशन कर रहे हैं, और नाल नाल अमृतसर का नाम भी रोशन कर रहे हैं।